जिसका तुझे था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार। जी हाँ, वो घड़ी आ गई। कौन सी घड़ी आ गई? अब फेलोशिप हाइक के लिए काफी सारे लोग जो है काफी दिनों से लगे हुए थे, और मेल स्ट्रीट एंड ऑल फेलोशिप हाइक 60% 60% लगा हुआ था। लेकिन जो है, जैसे हम बचपन में अपने पिताजी या अपने पेरेंट्स के साथ क्या करते हैं कि पापा हमें जाइए R15 की बाइक दिला दो, पापा से चिल्लाते रहते हैं, तो पापा पहले हमें क्या दिलाते हैं? साइकिल दिलाते हैं। तो साइकिल दिला देते हैं तो हम साइकिल से चलने लगते हैं। फिर पापा से थोड़े बड़े होते हैं तो कहते हैं नहीं, हमें R15 ही चाहिए, वो मेरा दोस्त R15 चलाता है। लेकिन फिर पापा हमें दिला देते हैं स्प्लेंडर चलाओ बेटा। वैसे ही CSIR या DST या जो भी आप कह सकते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इंडिया की है, वो ऐसे छोटे छोटे तरीके से हमें एक लॉलीपॉप लॉलीपॉप दे रही है। फेलोशिप हाइक हुआ है, अच्छी न्यूज जरूर है, और ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। कम से कम कुछ तो अच्छा हो रखा है, कुछ तो हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से डिमांड की गई थी 60% की, उतनी डिमांड अभी भी फुलफिलमेंट नहीं हुई है। PMRF और जो नॉर्मल रिसर्च फेलोशिप के बीच का गैप है वो अभी भी काफी ज्यादा है। और ये गैप क्यों है? क्योंकि रिसर्च उसी लैब में उसी जगहों पे की जाती है, लेकिन PMRF के लिए 75,000 पर मंथ, और आफ्टर हाइक जो है वो अभी भी CSIR की फेलोशिप 37,000 पर मंथ है GRF के लिए। तो एक ट्वीट के जरिए मैं आपको बता देता हूं कि कितनी जो है फेलोशिप हाइक हुई है। तो DST ने ये ट्वीट किया हुआ कि गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड इनहांसिंग द, कह सकते हैं कि इमोलमेंट्स ऑफ द GRF SRF एंड जो आपके रिसर्च एसोसिएट्स है एंगेज्ड इन द R&D एक्टिविटीज। अब कहीं ना कहीं ये जो एक्टिविटी ऑन हुई है वो 1 जनवरी से, मतलब ये जो एक्टिव होगा, ये फेलोशिप का जो इंक्रीमेंट होगा वो 1 जनवरी से चल रहा है 2023 से। अब सवाल ये भी आता है कि जो लोग ऑलरेडी इनरोल्ड है इस पर्टिकुलर फील्ड में, क्या उनकी फेलोशिप जो ऑलरेडी आ चुकी है 1 जनवरी से? अभी क्या चल रहा है? जून चल रहा है, यानी पिछले 5-6 महीनों में क्या जो फेलोशिप अमाउंट जो है उनको तो 31,000 ही रिसीव हुआ GRF के लिए, या SRF के लिए जो है वो 35,000 ही रिसीव हुआ? क्या वो बढ़ के मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा, ध्यान दें कि GRF के लिए जो फेलोशिप इंक्रीमेंट हुई है, देख सकते हो आप, जो फेलोशिप इंक्रीमेंट की बात हुई थी वो GRF के लिए जो है लगभग 37,000 है, एंड SRF के लिए पहले जो GRF का अमाउंट था वो था 31,000। ठीक है, तो पहले जो है GRF के लिए अमाउंट था 31,000 पर मंथ। याद रखिए ये अमाउंट जो है वो विदाउट HRA है, ये अमाउंट जो है वो विदाउट HRA है, बिना HRA के। और जो आपका SRF है, SRF का पहले जो अमाउंट था वो था 35,000 यानी 35,000 विदाउट HRA, और अब बढ़ के वो हो गया है 42,000, यानी लगभग जो इंक्रीमेंट हुआ है वो अगर देखा जाए तो 7,000 का हुआ SRF में, 6,000 का हुआ है GRF में। पहले जो मिलता था 31 से पहले वो मिलता था 25,000 GRF के लिए, और 25,000 से बढ़ के हुआ था 31,000, जब बहुत जद्दोजहद पे 6,000 बढ़ा था, इस बार भी 6,000 बढ़ के हुआ है 37,000, यानी इंक्रीमेंट जो है वो 6,000 का ही हुआ है, जो कि डिमांड किया जा रहा था कि काफी अच्छा इंक्रीमेंट हो, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ है। मैं इस पे एकदम नेगेटिव साइड पे बात नहीं कर रहा हूं, ये एक बैलेंस्ड वे में बात है कि हाँ, जो बेसिक तौर पे कुछ नहीं हो रहा था उसमें कुछ इंक्रीमेंट तो हुआ है, लेकिन वो इंक्रीमेंट थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए था। रिसर्च में कुछ तो पैसा दो आप, ठीक है। अगर PMRF की बात की जाएगी तो उसमें 75,000 मिलता है एज अ GRF के तौर पर। यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट के 3 कैटेगरीज को शो किया गया, पहली कैटेगरीज में 58,000, दूसरी में 61,000 और तीसरी में 63,000, ये सारे जो है रिसर्च एसोसिएट की कैटेगरी के जो है फेलोशिप्स। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें भी नीचे दी हुई है, मैं कई सारे लोगों ने जो है ट्वीट किया हुआ, और वो ट्वीट के जरिए क्या शो कह रहे हैं, जैसे व्हाई देयर इज अ सच अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्कॉलरशिप फॉर द रेगुलर एंड PMRF इवन आफ्टर रिविजन। अभी भी लगभग डबल है PMRF का फेलोशिप आपके नॉर्मल रेगुलर फेलोशिप से। आखिर इतना कौन सा जो है PMRF के जो रिसर्च स्कॉलर्स है वो कर ले रहे हैं, जो कि नॉर्मल रिसर्च स्कॉलर्स नहीं कर रहे। और ये मैं मानता हूं कि PMRF को प्रमोट करने के लिए चीजें की गई हैं, मतलब PMRF का अपना एक अलग चीजें हैं, बट स्टिल कम से कम एक बायसनेस इतना नहीं होना चाहिए कि अभी भी 37 का देखोगे तो लगभग डबल है, डबल से भी 1,000 ज्यादा है, ठीक है। एंड इसी तरीके से कई भी चीजों पे आप देखेंगे कई लोगों ने ट्वीट किया है, इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। कुछ ऐसे बोल रहे, इज दिस हाइक ऑल्सो अप्लीकेबल फॉर इनरोल्ड इन द प्रोजेक्ट एंड रजिस्टर्ड PhD स्टूडेंट्स। अब ये हाइक जो है, ये सवाल आता है कि क्या जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं
या जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, या जो नए होंगे सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है। तो ये सब चीजें जो है बेसिक तौर पे इसके रीट्वीट्स के तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने इसको रीट्वीट किया, तो आप ये फेलोशिप का जो इंक्रीमेंट है वो देख सकते हैं। तो अगेन वही चीज है, चलो डूबते को तिनका का सहारा, और वो तिनका धीरे धीरे आपको मिल रहा है। और अगले वीडियो में हम कुछ और चीजों के साथ आपके साथ मिलेंगे। आपकी क्या राय है कि ये जो फेलोशिप हाइक हुआ है ये मतलब ठीक ठाक हाइक हुआ है, या बस एक डिसेंट अमाउंट लॉलीपॉप आपको पकड़ा दिया गया है? तो आप अपने कमेंट को, अपने जो व्यूज है, अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।